तकालीफ को बर्दाश्त करना ये सब्र है, नफ्सानी ख्वाहिशात पर आरा चलाना, छुरी चलाना यही सब्र है। मसायब आ जाए मसायब को बर्दाश्त करना सब्र है, तकालीफ को बर्दाश्त करना सब्र है, नफ्सानी ख्वाहिशात पर अमल न करना ये सब्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू, ए ईमान वालों सब्र करो, तवज्जो करें सबर करो, वसाबिरू साबित कदम रहो, एक दूसरे को मजबूत करो। दूसरी माना, एक तो माना ये कि साबिरू साबित कदम रहो, दूसरी माना हजरत सैयद अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह ने की, फरमाया एक दूसरे को मजबूत करो, एक दूसरे को के पांव को ना खींचो। साबित कदम रहो, तकालीफ आ जाए मुसीबतें आ जाए साबित कदम रहो। लोगों को कहता ना पहले आदमी क्या मेरे ऊपर मसायब आ गए, मेरे ऊपर तकालीफ आ गई, नहीं, लोगों को कहना नहीं है। हम तो लोगों को कहते पड़ते, थोड़ी सी बुखार आ गया, पेट में दर्द आ गया, दाढ़ घोड़ा कर लेते हैं, पूरे महल को उठा लेते हैं, अरे क्या हुआ यार, ये हुआ फला हुआ, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। तकालीफ अल्लाह ने दी है तो तकालीफ दूर करने वाला कौन? चौना बुलंद आवाज से कह दो
तकालीफ दूर करने वाला कौन? अल्लाह ही है। ये न कहो कि भाई मैं बेटाई के मजार पे जाऊंगा तो मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। कलंदर शाहबाज पर हाजिरी लगाऊंगा तकलीफ दूर हो जाएगी, ऐसा न कहना। अगर ये कहा आपने, ये जुमला कहा तो तौहीद है, जो तौहीद नहीं रही, तौहीद नहीं रही। साबित कदम रहो, साबित रहो, साबित कदम रहो दुश्मन के मुकाबले में, साबित कदम रहो, पीठ न दे दो, भागो नहीं, तकालीफ बर्दाश्त कर लो। डटे हुए हैं मुजाहिदीन, डटे हुए कि नहीं है? उनके लिए दुआ करते हैं आप? मुजाहिदीन के लिए दुआ कर रहे हैं आप? गजा के मुजाहिदीन के लिए दुआ करते हैं नहीं करते? जुबान से ये जुमला तो कह दे, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, ये तो हम कह सकते हैं। हम जा नहीं सकते, वहां लड़ नहीं सकते, हम उनकी इमदाद नहीं कर सकते, तो कम अज कम जुबान से ये तो कह सकते हैं या अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा, ये तो कह सकते हैं ना। ये जुमला भी भारी लगता है मुसलमानों को। खुश नसीबी अजीजो, आपको मैं खुशखबरी सुनाता हूं अजीजो, आज मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं कि मुजाहिदीन की मदद हो रही है। सब कह दो सुभान अल्लाह, सारे कह दो माशाल्लाह, सारे कह दो बुलंद आवाज से कह दो मुजाहिदीन की मदद हो रही है। खुफिया तरीके से इस्लामी ममालिक मदद कर रहे हैं, चलो खुफिया तरीके से मदद कर रहे हैं। मुसलमान ममालिक डर रहे हैं ना, बुजदिल है, हुक्मरान बुजदिल है, जाहिर लोग मदद करेंगे तो अमेरिका बमबारी करेगा, इसराइल छोड़ेगा नहीं, तो खुफिया तरीके से फिर तुर्किया हो, पाकिस्तान हो, कोई और मुल्क हो, समझा नहीं, किसी खास मुल्क का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन खुफिया तरीके से मुजाहिदीन की मदद हो रही है, उनको मिसाइल पहुंच रहे हैं। सैयद आसिफ मुनीर साहब जो हमारे आर्मी, समझे, आर्मी के चीफ हैं, उनसे भी गुजारिश है कि दो चार आप भी मिसाइल भेज दें, दो चार मिसाइल आप भी मिसाइल भेज दें। शाहीन मिसाइल आपके पास है, गोरी मिसाइल आपके पास है कि मुजाहिदीन तक तो आप पहुंचाए कि तल अबीब को तो तबाह कर दे, दो चार मिसाइल तो पहुंचा दें उनको। और उनके पास मदद आ रही है जी, मुजाहिदीन के पास मदद आ रही है, समझा नहीं, इतनी बड़ी ताकत तो मामूली है, इसराइल एटमी ताकत मामूली ताकत है, हजारों की तादाद के पास जहाज है, लाखों की तादाद में उनकी फौज है, फकत इसराइल अकेला नहीं, अमेरिका उसके साथ है, फ्रांस उसके साथ है, जर्मनी उसके साथ है, बड़ी बड़ी कुवतें उनके साथ है, मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद है, जो मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद है, और मुसलमानों की दुआएं हैं, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, और इंशाल्लाह ये जलील और ख्वार होंगे। आपको पता है 3 या 4 रोज हो गए जमीनी हमला शुरू है, चारों तरफ से हमला हो रहा है, पढ़े तो सही आप अखबार तो पढ़े, खबरें तो सुने, कान तो उस तरफ रखे कि चारों तरफ से गजा को चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन उनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं उनके लाशें उठा रहे हैं, समझा नहीं, मीडिया दिखा रही है, जख्मी उठाकर लेकर जा रहे हैं, या अल्लाह उनके ऊपर रोक डाल दे, ये दोनों या अल्लाह उनके ऊपर रोक डाल दे। जिस तरह आपने गज़वे बदर में मुसलमानों की मदद की, मुजाहिदीन की मदद की, वमा रमायत इज रमायत वलाकिन अल्लाह रमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाकर फेंकी, मिट्टी उठाकर काफिरों की तरफ फेंक दी, जब फेंकी तो जो जहां था किसी के मुंह में गई, किसी के आंखों में गई, फरमाया वमा रमायत इज रमायत वलाकिन अल्लाह रमा, ए जबी ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने मिट्टी उठाई, जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका,
तवज्जो करें, जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन मैंने अल्लाह ने फेंका, मैंने फेंका, फकत आपका फेंकना ये था एक तरफ फेंक दे तो दूसरे बच जाते, दाएं तरफ वाले बच जाते, दाएं तरफ फेंका बाएं तरफ वाले बच जाते, आगे फेंका पीछे वाले बच जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आपने फेंका तो फेंकना आपका काम था, उनके आंखों में मट्टी डालना पहुंचाना ये मेरा काम था। जब आपने मट्टी फेंकी, जब फेंकी तो आप फरमाया हमला कर दो, मुजाहिदीन से फरमाया हमला कर दो, आप रो रहे आंसू बहा रहे, या अल्लाह ये मैं लेकर आया हूँ, ये साथी ये मुजाहिदीन लेकर आया हूँ, अगर ये न रहे तो दीन न रहेगा। तवज्जो करे, अगर ये न रहे तो आपका दीन न रहेगा। आप आंसू बहा रहे, आप की चादर मुबारक गिर गई, हजरत सिद्दीक अकबर ने दिलासा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बस करें अल्लाह की मदद आ रही है। 1000 की मदद आई फरिश्ते, 3000 आए, फिर 5000 आए, इस तरफ 313, वहां से 1000 का लश्कर, काफिरों का 1000 का लश्कर था, या 313 बड़े असला के साथ आए थे, मुसलमानों के पास कोई असला नहीं था, चंद तलवारें थी अजीजों, ये छोटी सी जमात अल्लाह ताला ने इनको इनके ऊपर गलबा दे दिया, काफिरों के ऊपर गलबा दे दिया। इंशाल्लाह हमास के मुजाहिदीन सुरफुरू होंगे, इंशाल्लाह मुजाहिदीन को फतह मिलेगी, आप सुनेंगे, और इंशाल्लाह ये सुनेंगे कि ये इजराइल भाग जाएगा, ये अमेरिका भाग जाएगा, इंशाल्लाह। दुआ करते ही नहीं करते आप, सारे आपके ऊपर लाजिम है कि सारे साथी दुआ करें मुजाहिदीन के लिए। दुरूद शरीफ पढ़ो, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد کرتے کرتے سمجھا نہیں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ تو جنتی ہے۔ ایک خوشخبری آپ صاحب کو سنائی، ایک صحابی تھا وہ کھجور کھا رہا تھا، جب ان کو آپ صاحب کی خوشخبری سنائی تو کہا یہ کھجور کھانا تو زندگی طویل ہو گئی، یہ تو لمبی زندگی ہو گئی، کھجور کو پھینک دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسود رائی ہے، خیبر کا موقع ہے، اسود رائی چرواہا ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، آپ صاحب نے پڑاؤ کیا، آیا پوچھا کیا بات ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے، ساتھیوں نے بتایا کہ بھئی یہ بات ہے، نبی آخر زمان کہاں ہے، نبی آخر زمان خیمے میں، دیکھ کر حیران ہو گیا، سردار انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ایک خیمے میں، معمولی خیمے میں، آپ صاحب کی خدمت میں آیا، رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کہہ دو نا سبحان اللہ، لیکن میں تو کالا ہوں، میرے پسینے میں بھی بدبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلمہ پڑھو گے ہم تمہیں اپنے گلے لگائیں گے، کلمہ پڑھو گے تم ہمارے مسلم بھائی ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب کیا کروں، اب تو جہاد وہ دوسری تو بات ہی نہیں تھی، جہاد ہو رہا تھا، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، تو وہ صحابی جو اسود رائی تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور محاذ چل رہا تھا، لڑائی چل رہی تھی، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو بعض صحابہ نے ان کو دیکھا تھا، بعض نے نہیں دیکھا تھا، تو لڑائی تو ختم ہوئی تو دیکھا صحابہ کرام کا ہجوم، ایک لاشے کے اوپر ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، زخموں سے چور ہو کر گر گیا، کون ہے، شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا عزیزوں، مسلمان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک صبر کرے، ایک شکر کرے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے دو چیزیں ہیں، چلو سبحان اللہ،
या गाजी बने या शहीद बने। चलो चलो ना चलो सुभान अल्लाह। मुसलमान के लिए दो ही चीजें हैं, या तो गाजी बने या शहीद बने, तीसरी कोई बात नहीं है। या तो जाकर बकरियां चराए, जंगल में चला जाए, बकरियां चराए, बकरियों का दूध पिए और अपने ईमान की सलामती की फिक्र करे, या तो ये चला जाए, या मुजाहिदीन के साथ मिल जाए। चलो सुभान अल्लाह। या मुजाहिदीन के साथ मिल जाए, या तो गाजी बन जाए या शहीद बन जाए। गजा का एक नौजवान अपने मल को घर का हुआ बम लगाया और सारे घर घर के अफराद शहीद हो गए, सारा घर गिर गया और उनके मल भी ऊपर खड़ा है। वो कहता है मुसलमानों तुम मुर्दा हो हम जिंदा है। मुसलमानों को कह रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कह रहा है तुम तो मुर्दा हो हम जिंदा है। शहीद जिंदा होता है, जो शहीद जिंदा होता है ये तो आजी जिंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जिंदगी की मिसाल क्या है पता है आपको? दरिया में उंगली डालो, उंगली को कितना पानी लगा, ये जितना उंगली को पानी लगा है ये दुनिया का जहान है, बाकी सारा दरिया आखिरत का जहान है। दुनिया की जिंदगी आजी जिंदगी है, हमेशा वाली जिंदगी जो आखिरत वाली जिंदगी है। शहीद तो जिंदा है, समझा नहीं? शहीद जिंदा है अजीजो। अल्लाह अकबर, अल्लाह तआला उनकी रहमी मदद फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद बस। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آيات کو سمجھنا، پوری توجہ سے آيات کو سمجھنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، یہاں تک سمجھا؟ صابروا بھی آپ نے سمجھا. वराबितु वराबितु, मुसलमान आपस में जुड़ जाए। एक माना मुसलमान आपस में जुड़ जाए। मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचे तो दूसरा मुसलमान ये समझे कि इसको तकलीफ नहीं पहुंची है, मुझे पहुंची है, ये मुझे पहुंची है। ये मुसलमान की शान है, होनी चाहिए। हम तो कहते हैं अच्छा हुआ यार, अच्छा हुआ मेरा दुश्मन है, मेरा मुखालिफ है, सजा मिली है इसको। नहीं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जो मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो अपनी उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। मुसलमान की मिसाल तो इस तरह है, अगर सर में दर्द हो, सर में दर्द हो पूरा जिस्म बेकरार होता है, नहीं होता? दांत में दर्द हो पूरा जिस्म बेकरार होता, नहीं होता? उंगली में दर्द हो पूरा जिस्म बेकरार होता, नहीं होता? एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान उस तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। गजा के मुसलमानों के ऊपर तकलीफें आ रही है, बमबारी में कोई वक्फा नहीं हो रहा, बच्चे यतीम हो गए, हजारों बच्चे शहीद हो गए, हजारों औरतें शहीद हो गई। उस तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, ये मुसलमानी है अजीजो। उनकी तकालीफ को अपनी तकलीफ समझे, अगर समझता है तो मोमिन है, ईमान है। अगर नहीं समझता अरे चल पड़े रहे, अगर नहीं कहो नहीं समझता उसके ईमान में खामी है, ईमान में खामी। एक माना ये कि मुसलमान आपस में जुड़े रहे। वराबितु वराबितु, सूरह आल इमरान की आखिरी आयत है, वराबितु, मुसलमान आपस में जुड़े रहे। दूसरी माना, ए ईमान वालों सब्र करो, साबित कदम रहो। वराबितु, सरहदों की हिफाजत करो, सरहदों की हिफाजत करो। सरहदें दो किस्म की, एक जाहिरी सरहदें, एक बातनी सरहदें। जाहिरी सरहदें कि मुल्क की
सरहदें, ये जाहिरी सरहदें, उनकी सरहदों की हिफाजत करें। ए ईमान वालों, उनकी सरहद की हिफाजत करो। बातनी सरहद क्या है? हजरत सैयद अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, बातनी सरहद क्या है? हलाल और हराम की तमीज करें। कहते ना सुभान अल्लाह, ये बातनी सरहद है, हराम और हलाल की तमीज करें। ये नहीं कि जो आया हड़प, जो आया हड़प। देखो तो सही कि हलाल की हलाल भी है, ये तुम्हारे लिए जायज भी है। कितनी माना हो गई? दो। तीसरी माना, वराबितु। ए ईमान वालों, सब्र करो, साबित कदम रहो। वराबितु, एक नमाज पढ़ी फिर दूसरी नमाज के इंतजार में बैठो। सब कह दो ना सुभान अल्लाह। एक नमाज पढ़ी फिर दूसरी नमाज के इंतजार में बैठो, ये है राबितु। जुम्मा पढ़ा फिर असर की इंतजार में बैठो, असर की नमाज पढ़ी।